बुमराह ने जब ओली पॉप का विकेट लिया उसके बाद अपने ही अंदाज में खुशी बनाते हुए दिखे। यह बेहतरीन नजारा 11वें ओवर में देखने को मिला जब बुमराह ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर के हाथों ओली पॉप को कैच आउट करा दिया। उसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी खुशी बनाते हुए दिखे। श्रेयस अय्यर डांस मूव करते हुए दिखाई देते हैं और वहीं टीम इंडिया के कप्तान बुमराह अपने ही अंदाज में सेलिब्रेशन बनाते हुए दिखाई देते हैं। जिस तरह से बुमराह ने लगातार 3 विकेट अपने नाम किए उससे यही पता चलता है कि बुमराह टीम इंडिया के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्या बुमराह को हमेशा के लिए टेस्ट कप्तानी देनी चाहिए? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।